और एम रेडियो में प्रोसीजर्स है, कुछ प्रोसीजर जैसे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में है, तो ऐसे ही कुछ प्रोसीजर्स है कि हम इमीडिएटली फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, हमें लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही हमें इस रेडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट लाइसेंस इस रेडियो को इस्तेमाल करना या तो अपने घर में रखना AK-47 रखने की बराबर है, ठीक है जी। तो ये ज़रा बिल्कुल सीरियसली जान लीजिए कि अगर आप ऑपरेट कर रहे हो विदाउट लाइसेंस, इट इज़ नॉट लीगल, सो इट इज़ टोटली इलीगल, ठीक है। अच्छा, अब आपको लाइसेंस मिल गया, आपके हाथ में लाइसेंस आ गया, आपके घर में रेडियो भी आ गया, या तो आपके क्लब स्टेशन में, आपका स्कूल में रेडियो आ गया, तो आप ऑपरेट करना कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले आपको रेडियो ऑपरेट करने के पहले उसका एंटीना लगाना पड़ेगा। HF रेडियो में, जो हम हैम रेडियो के लिए मेनली यूज़ करते हैं, HF रेडियो यूज़ करते हैं, और उसके बाद VHF रेडियो और UHF रेडियो यूज़ करते हैं। VHF और UHF जो है वो हैंडी होती है, मतलब जो छोटा रेडियो होता है, और हम कमर में उसको लटका के कहीं भी जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसका रेंज होता है यूजुअली 5 वाट का रेंज है, कि 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। इस ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है लाइन ऑफ साइट फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अगर आपने एंटीना पे लगा दिया, समझ लीजिए जैसे ऊपर एक कहीं एक जगह आपने बल्ब लगा दिया, उसकी रोशनी कहाँ तक जा सकती है, तो उतना दूर तक उसका रेडियो वेव्स जाता है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना आपकी रेडिएशन ऑफ लाइट जाती है उसके हिसाब से आपका VHF और UHF फ्रीक्वेंसी जाती है। तो अगर आपका एंटीना बहुत ही हाई होता है तो काफ़ी दूर तक आपका सिग्नल जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका एक लिमिटेशन है कि आप कितना लंबा तक बना सकते हो कि अपना टावर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 फीट बना सकते हो, 500 फीट भी बना सकते हो, या तो कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर आप डाल सकते हो और पूरा सिटी को आप कवर कर सकते हो। लेकिन उसके बियॉन्ड, जैसे कि आप देहरादून सिटी है, यहाँ से लेके दिल्ली तक कोई कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, एक गांव या दो चार गांव या तो उस एरिया को आप कवर कर सकते हो VHF और UHF में। द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक लाइट, ठीक है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे लाइट की रेस जाती है ऐसे लाइट की रेस की तरह ये वेव्स को ट्रेवल करती है। एम रेडियो में कहीं भी कोडेड मैसेज या कोडेड स्क्वेल्च या ऐसा कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते, कोडिंग हैम रेडियो में प्रोहिबिटेड है। कि मैंने एक कोई कोड बना दिया अपने फ़ोन में और जब भी मैं बात करूँगा तो जो बंदा सुनेगा उसको गुरगुर गुरगुर करके आएगा आवाज़, लेकिन वो क्या है मैसेज समझ नहीं आएगा। लेकिन दूसरा बंदा जो मैंने जिसको उसका तोड़ दिया है वो उसको डिकोड करके सुन सकता है, तो वो वाला काम कभी कर नहीं सकते। लेकिन उसमें भी रेडियो में भी कुछ कोड्स दिए हुए हैं कि आप ये फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने का वक्त ये कोड यूज़ कर सकते हो, वो कोड यूज़ करके अगला बंदा उसी कोड में आ जाता है आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी में, तो आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बड़ा ईजीली हो जाता है और बाकी लोग नहीं सुन पाते। पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले इसको यूज़ करते थे, ये सारी की सारी कोडिंग जो है, ताकि बाकी जनरल पब्लिक जो है अगर इवन फ्रीक्वेंसी भी पकड़ लिया तो उसको सुन ना पाए। तो ये हो गया VHF के बारे में। इसमें क्या है, VHF रेडियो जो है आपने ऑन कर दिया और उसमें एक स्क्वेल्च का एक बटन होता है। स्क्वेल्च का मतलब होता है आपका रेडियो रिसीवर ही जो है ना अपनी आप ही साउंड तैयार करता है। वो VHF और UHF फ्रीक्वेंसी में एक हैश होती है करके बैकग्राउंड में नॉइस होता है, उसको कम करने के लिए हम उसको स्क्वेल्च को कम कर देते हैं और नॉइस को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। और इवन FM रेडियो में भी ऐसा ही है, FM रेडियो में भी हम स्क्वेल्च को घटा के रिसीवर की नॉइस को कम करके उसको हम रियल सिग्नल्स जो है, ऑडियो सिग्नल्स जो है वो हम रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज़ रिगार्डिंग VHF एंड UHF। नाउ अबाउट HF, HF के लिए आपको सबसे पहले एंटीना लगाना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट एंटीना इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इज़ ए डाइपोल एंटीना।
क्या है, एक आपने मास्क लगा दिया और उसके बाद सेंटर पॉइंट में से दो पॉइंट ले लिया, एक एक वायर इस साइड में जाएगा, एक दूसरा वायर इस साइड में जाएगा, और वो वायर की लेंथ जो है डिसाइड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में आप बात कर सकते हैं। उसके बीच में से आपकी कोएक्स केबल लगती है, कोएक्स केबल का सेंटर पीस लग जाता है और सेंटर एक साइड में लग जाता है, उसकी ब्रेड होता है बार की साइड का, रिंग साइड होता है, वो दूसरी साइड में लग जाती है और उसके बाद वो वायर सीधा की सीधा आपका रेडियो में आ जाता है। तो आपकी दोनों वायर के बीच में, एक दूसरे के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सारी के सारे दोनों तार अलग अलग है। अब जैसे 40 मीटर है तो 40 मीटर के लिए हमें 40 मीटर का एंटेना यूज करना पड़ेगा, फुल वेव 40 मीटर एंटेना जो है, एक साइड में 40 मीटर और दूसरी साइड में 40 मीटर, दोनों मिला के हो गया 40 मीटर, इट इज़ अ फुल वेव। अब फुल वेव एंटेना बनाने के लिए 80 मीटर्स जगह चाहिए। हम मीटर्स में क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली 7 मेगाहर्ट्ज बैंड है, 7 मेगाहर्ट्ज को हम 40 मीटर बैंड बोलते हैं, क्योंकि 7 मेगाहर्ट्ज को जो है ना, अगर हम फ्रीक्वेंसी में नापेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी जो है उसके बीच में घूम के आने के लिए 40 मीटर की फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी, तो उसके लिए उतना जगह चाहिए, 40 मीटर की जगह चाहिए, तो इसलिए 40 मीटर बैंड बोलते हैं। दोनों साइड में 40 मीटर हो गया तो वो हो गया बहुत बड़ा, तो हम हाफ वेव एंटेना यूज़ करते हैं। तो हाफ वेव भी यूज़ कर सकते हैं, क्वार्टर वेव भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एंटीना होता है तो हम क्वार्टर वेव या तो हाफ वेव और VHF वगैरह में 5x8 अलग अलग साइज में हम यूज़ करते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी उसी के अंदर घूम के उसका अपना साइकिल पूरा करे ट्रांसमिट करने के वक्त, और रिसीव करने के वक्त भी जो वेव आता है तो उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर अंदर वो बैठ जाए, ताकि रेडियो को पूरा सिग्नल मिले उस बैंड का। जैसे कि आप ये समझ लो कि एक पतीला लेके कोई चीज़ पकड़ने जैसा, अगर बड़ा वाला फिश है, फॉर एग्जांपल ये नेट है, अगर बहुत बड़ा छोटा सा नेट है आपके पास, आप बड़ा फिश को पकड़ नहीं सकते हो, तो इसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि एंटेना को परफेक्टली कि उसी फ्रीक्वेंसी में। अब उस फ्रीक्वेंसी में अगर आपने एंटेना लगा दिया, उसके बाद अपना रेडियो को लगा दिया, तो रेडियो चलाने के लिए हमें यूजुअली 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी DC वोल्ट। मोस्ट ऑफ अवर रेडियोज आर मेड फॉर 12.8 वोल्ट्स ऑफ DC वोल्टेज। सो आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए, या तो एक आपको एक अपैरेटस चाहिए, उसको आप बोलते हो पावर सप्लाई, उसको हम पावर सप्लाई बोलते हैं, एक टाइप की पावर सप्लाई चाहिए, ताकि 230 वोल्ट को कन्वर्ट करके आपको 12.8 वोल्ट में आपको आउटपुट दे दें, वो भी DC में। तो वो सबसे पहले वो आप डिब्बा को ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद आपको 12.5 वोल्ट आपकी मतलब आपका रेडियो का आ जाता है, तकरीबन 11 वोल्ट तक भी रेडियो चल जाता है, क्योंकि हम अगर बैटरी यूज़ करते हैं तो 10 वोल्ट तक भी रेडियो चल जाता है, और मैक्सिमम वोल्टेज जो है रेडियो आपका 16 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अराउंड 14 वोल्ट तक भी मैक्सिमम वोल्ट आप बैटरी का वोल्टेज दे सकते हैं। ठीक है, अभी आपका रेडियो ऑन हो गया, ऑन होने के बाद आप अपना ये फ़ोन निकाल दीजिए, मैंने अभी एक मैसेज भेजा है, उसमें आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा बैंड अलॉटेड है,